अच्छा, कल तो चक्कल हमने क्या पढ़ा था? जेफरसन एंड जैक्सन, वो तो क्लियर है ना तुम लोगों को, कोई मसला तो नहीं है? हेलो। क्लियर है सर। अच्छा चलो ठीक है, सही है। अच्छा विल्सन पढ़ लेते हैं, फ्रैंकलिन का मैंने तुम लोगों को कहा हुआ है कि फ्रैंकलिन तुमने पढ़ना है, और तुम लोगों ने एक ट्रॉमन जो है ना वो तुम लोगों ने कर लेना है, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये शुरू करते हैं प्रेसिडेंट विल्सन के बारे में। आज आप लोगों ने कितनी क्लासेस ली हैं? हेलो, सर एक भी नहीं एक ली है? एकेडमी की तरफ से करंट अफेयर्स हमने दो क्लासेस ली है सर जी। सर करंट अच्छा अफेयर्स और यूएस हिस्ट्री की क्लास थी दूसरी, नहीं तो यूएस हिस्ट्री की तो ये है। इससे पहले भी ली है सर किप्स की। अच्छा किप्स गए थे आप लोग? नहीं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जी सर ऑनलाइन ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। इधर नहीं ली सर, इधर ये है बस। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा तो तुम लोग किप्स में भी जाके पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो तुम लोग, तो बिल्कुल चलो अच्छी बात है, तुम लोग तो बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा ये है प्रेसिडेंट विल्सन। अच्छा अर्ली लाइफ इसकी, इसमें कोई इतना खास बातें नहीं, इसमें थोड़ी सी है कि बस ये 1857 में पैदा हुए थे वर्जीनिया में। ठीक है, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट भी रहा हुआ था, और ये वहाँ पे फिर बाद में जाके प्रोफेसर भी था। ठीक है, और 1910 में ये गवर्नर बना था न्यू जर्सी का, और फिर ये प्रेसिडेंट बना है 1913 में। ठीक है ना, लेकिन इसका ये जो एरा है ना, तो इसको कहा जाता है कि एन एरा ऑफ फियर्स इंटरनेशनल स्ट्राइफ एंड इंटरनल डिस्कॉर्ड। ठीक है ना, मतलब जो इंटरनल प्रॉब्लम्स और आउटर जो क्या कहते हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती है, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स इंटरनल पॉलिटिक्स, तो ये इसका जो एरा था ना, टाइम पीरियड जो था जिसमें प्रेसिडेंट रहा है, तो वो ये था। मतलब एक लिहाज से इसको थोड़ा आप लोग वो भी कह सकते हैं, मिसफॉर्चुनेट प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके बारे में चले थोड़ी फिर पढ़ते हैं विल्सन। अच्छा विल्सन का वर्ल्ड वॉर वन में जो है ना, क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर, इसको हमेशा वर्ल्ड वॉर वन के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि एक तो इसने जो मेन काम किया था उसने वो ट्रीटी ऑफ सॉरी क्या कहते हैं अपने 14 पॉइंट्स जो थे ना वो इसने पेश किया था। तो इसका जो विल्सन के साथ जो बात जोड़ी जाती है वो यही कही जाती है ना, किसने 14 पॉइंट्स जो दिए थे, 14 पॉइंट्स, विल्सन 14 पॉइंट्स। एक तो ये, तो दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मतलब ये उस वक्त प्रेसिडेंट था जबकि वर्ल्ड वॉर वन जो है ना वो थी, वो शुरू हुई हुई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ, मतलब पहले अमेरिका जो था ना, मतलब पहले 1914 से लेके 1917 तक जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था। उसने जाके लेटर जो है ना, तकरीबन 1917 में के बाद में जाके जो है ना वर्ल्ड वॉर वन का हिस्सा बना था, और ये क्या कहते हैं इंग्लैंड की तरफ से ये लोग फिर लड़े थे। ठीक है ना, तो वो फिर ये सब कुछ हम लोग अभी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो पहले इसको कहते हैं एरा ऑफ न्यूट्रलिटी ना, कि वो एक टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रलिटी कहते हैं कि तब ये लोग न्यूट्रल थे। ठीक है, ये लोग वॉर में नहीं थे, सिर्फ इन लोगों तकरीबन कुछ 6 से 8 महीने का जो टाइम था उसमें इन लोगों ने जाके वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो अमेरिकाज एंट्री इंटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो इसमें एथनिक फैक्टर्स क्या थे? ठीक है ना, तो ऑफिशियल न्यूट्रलिटी फ्रॉम 1914 टू 1917। ठीक है ना, मतलब उसने कहा हुआ था, अमेरिका ने कहा हुआ था कि हम वर्ल्ड वॉर वन का पार्ट बनेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है ना, हम लोग एक साइड पे होंगे ना, हम दूसरी साइड पे होंगे। तो 1914 से 1917 तक जो है ना ये लोग मतलब जंग का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, लेकिन सिंपथाइज विद इंग्लैंड एंड एलाइज बिकॉज ऑफ कॉमन कल्चर ट्रेडिशन एंड पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, अब ये जैसा आपको पता है ना, इनके जो कॉलोनाइजर्स थे वो ग्रेट ब्रिटेन ही था। ठीक है ना, और ग्रेट ब्रिटेन से ही लोग उठ के आए थे और यहाँ पे आके आबाद हुए थे, तो इनकी एक सिंपथी थी अपने वो जो कह सकते ना कि वो अपनी इंग्लिश ब्रेथरन, उसको कह सकते अपने इंग्लिश ब्रदर्स के साथ इनकी एक वो सिंपथी थी। अब वो क्योंकि जंग में थे। टू, क्या टू? अच्छा क्या कह रहा था मैं, अच्छा इंग्लैंड के साथ जो है ना इनकी इंग्लिश और इंग्लैंड और इंग्लैंड के जो एलाइज थे ना उनके साथ इनकी कुछ थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफी हद तक एक सिंपथी थी।
थी, ठीक है, वो उसकी वजह क्या थी, क्योंकि इनका कॉमन कल्चर था, ट्रेडिशन थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो थे ना वो एक किस्म के थे, और मतलब इनकी जो अमेरिका में जो लोग रह रहे थे ना उनकी जो रूट्स थी वो इंग्लैंड की ही थी, मतलब इंग्लैंड से उठ के लोग आए थे ना अमेरिका में, कॉलोनाइजेशन की बात मैं करूँ, फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, लोग आपस में लड़े हैं, वॉर ऑफ 1812 भी लड़े, ठीक है, लेकिन वो एक कनेक्शन था इन लोगों के आपस में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना विल्सन जो खुद था ना उसकी भी मतलब ये जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो जो इंग्लिश लोग थे इनके साथ सिंपथी बहुत थी, इनके साथ प्यार बहुत था, ठीक है, और एक उसका इंग्लिश लिटरेचर जो था ना वो बहुत ज्यादा पसंद था। तो एक तो विल्सन मतलब प्रेसिडेंट है, जारी बात है, बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है किसी भी स्टेट की फॉरन पॉलिसी के ऊपर, ठीक है, तो उसका लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है ना, ये मेन बात है उसकी, मतलब इंग्लिश लोगों के साथ और इंग्लिश के जो भी तौर तरीके और लिटरेचर और जो भी इस किस्म की चीज़ें थी उसमें मतलब विल्सन उसके काफ़ी मतलब उसके साथ उसकी लगाव था। और दूसरा ये था कि जर्मनी के मतलब वो एक होते हैं ना क्या कहते हैं कि किसी को आप किसी के खिलाफ बस आपके माइंड में ऐसी एक हो क्या कहते हैं वो बनी हुई हो ना एक नेगेटिव इमेज बनी हो, ठीक है ना, जैसे हमारा बस बनी हुई है कि अमेरिका क्या कहते हैं इंडिया ने जो है हमेशा हमारे जो है ना इंटरेस्ट के खिलाफ ही काम करना है। तो इसी तरह विल्सन का पहले से माइंड बना था कि जर्मनी जो है ना मतलब जर्मनी का कोई इतने अच्छे ख्याल नहीं थे उसके विल्सन के जर्मनी के बारे में, और मतलब उसके वो जो नोटोरियस डिजाइन थे वो जो अपनी वो जो क्या कहते हैं जो मोनिको एक चीज लेके आना चाह रहा था जो वर्ल्ड वॉर वन की जो शुरुआत भी जो है ना जर्मनी की वो जो क्या कहते हैं नाजीज वगैरह और ये जो सारी चीजें थी ना और अपने आप को डोमिनेंट शो करना जो चाहता था, तो ये जो बात थी ना ये विल्सन को पसंद नहीं थी, ठीक है ना। तो एथनिक फैक्टर्स में तो आप लोग ये लिख लेंगे। अच्छा, फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स के, क्यों कौन से ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिसने, अब ये हम लोग ये सारी जो चीजें पढ़ रहे हैं ना हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि मतलब व्हाट लेट अमेरिकाज एंट्री इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब जब एक ऑफिशियल पीरियड चल रहा था 19 ऑफिशियल न्यूट्रलिटी का पीरियड चल रहा था 1914 से 1917 तक, तो फिर आखिर में मतलब ऐसा क्या हुआ, ठीक है ना, कि वो लोग उन्होंने आखिर में जाके सोचा कि नहीं बस अब हम लोगों को जंग का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तो उसमें जो है ना एथनिक फैक्टर्स है, मतलब शुरू शुरू में तो आप एक कुछ थोड़ी बहुत जो ये बातें ना ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब ये इकोनॉमिक फैक्टर्स पे आप लोग थोड़ा गौर करें, ठीक है ना। प्रमोटेड अमेरिकन्स टू जॉइन द वॉर ऑन द साइड्स ऑफ द एलाइज, ठीक है ना, मतलब जो ग्रेट ब्रिटेन और इसके जो जितने भी क्या कहते हैं साथी थे, ठीक है ना, इसमें अब मुझे मैं कंफ्यूज, इसमें अगर किसी को पता हो तो मुझे भी बता दे, वर्ल्ड वॉर वन में एलाइज और क्या थे, एक्सिस थे क्या था? जी सर, यही ब्लॉक्स थे दोनों, एक एलाइज थे और एक एक्सिस थे। एलाइज, अच्छा, तो वर्ल्ड वॉर, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर टू में क्या था, एलाइज एंड एलाइड था सर, उसमें भी सेम ही थे, उसमें नहीं सेम तो थे लेकिन इनके नाम बीच में कहीं, अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर वन में जो एक साइड थी उसको एलाइज कहा जाता था, दूसरे को एक्सिस कहा जाता था, ठीक है, तो ठीक है, बस अब इसको याद रखो, सबक रहो यार, अब ऐसा ना हो कि फिर गलत पढ़ा दूं तो हम लोगों को नुकसान हो जाएगा। ये देखो वर्ल्ड वॉर नहीं, अच्छा एलाइज वर्सेस एक्सिस वर्ल्ड वॉर वन, एलाइड पावर्स आल्सो कॉल्ड द एलाइज द कंट्रीज एडेड एलाइड इन द ऑपोजिशन टू सेंट्रल पावर्स जर्मनी ऑस्ट्रिया, अच्छा बस यही है, ठीक है, एक तरफ पे एलाइज थे दूसरी तरफ पे ये एक्सिस थे। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स प्रॉम्प्टेड अमेरिकन्स टू जॉइन द वॉर ऑन द साइड्स ऑफ द एलाइज, ठीक है ना। तो अब ये क्या था, अमेरिका जो था ना उस वक्त इट वॉज इन एडवांसिंग डिप्रेशन, मतलब एक डिप्रेशन की तरफ वो जा रहा था, उसकी जो इकोनॉमी थी वो एक डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, ठीक है ना। और इस क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर वन का इसने ये फायदा उठाया था ना, क्या कहते हैं अमेरिका ने जो ये लोग कह रहे थे कि मतलब ये ऑफिशियल न्यूट्रलिटी है हमारी ना, तो सबसे ज्यादा जो फायदा है ना इस थर्ड पार्टी को ही हो रहा था, मतलब अभी आप देखें 1914 से लेके 1917 तक दो पार्टीज हैं वो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फायदा तो जो था ना वो एक थर्ड पार्टी को रहा था, जो थर्ड पार्टी थी ना वो अमेरिका थी, ठीक है ना। अमेरिका जो है ना वो डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, ठीक है ना, जंग छिड़ने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री वगैरह बड़ी ठीक ठाक थी, और मोस्टली जो क्या कहते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एलाइड पावर्स जो थी ना, जो इंग्लैंड वगैरह और इसके जो साथी थे,
दे वर मेकिंग इनॉर्मस परचेजेस मेड बाय द एलाइड पावर्स मोस्टली एम्यूनिशंस, ठीक है ना, और इनॉर्मस इंक्रीज इन अमेरिकन एक्सपोर्ट्स. मतलब ये देखें ये क्या फिगर है, इससे 1914 टू इस यहाँ तक आगे था 1916 में, ये मैंने मजूमदार से फिगर उठाया हुआ, ठीक है. कहीं पे भी अगर फिगर कोट करते हो ना तो उसके साथ सोर्स जरूर लिखना, ठीक है. तो क्या हो रहा था कि मतलब वो दो पार्टीज तो आपस में लड़ रही थी. अब क्योंकि अमेरिका की सिंपथी या कनेक्शन था एलाइड पावर्स के साथ या इंग्लैंड के साथ, तो वो ये फायदा उठा रहे थे ना कि उनकी वो जो इंडस्ट्री थी ना वो यहाँ पे आर्म्स और एम्यूनिशंस बना रही थी, और मतलब एक बहुत ही ज्यादा, और वो सब कुछ है ना एक्सपोर्ट करी थी एलाइड पावर्स को, ठीक है ना. तो पहले तो क्या हो रहा था कि एलाइड पावर्स के पास कैश था, ठीक है ना, वो कैश उनको दे रही थी. आखिर में एक टाइम ऐसा आया कि इनके ऊपर जो इनके जो एलाइड पावर्स थी ना इनके पास कैश खत्म हो गया अमेरिका को देने के लिए. फिर इन लोगों ने क्या काम किया था कि इन लोगों ने एक ऐसा एक्ट पास किया था कि जिसके थ्रू मतलब ये लोग है ना उसको वॉर बॉन्ड्स कह रहे थे, ठीक है ना, कि आप जो है ना आपके जो अमेरिका के जो बैंक्स हैं वो है ना क्या कहते हैं वॉर बॉन्ड्स देंगे ना, मतलब वॉर बॉन्ड्स के खिलाफ जो है ना वो आपको क्या कहते हैं आर्म्स और एम्यूनिशंस देंगे. मतलब एक किस्म का जो फॉरेन डेप्ट था ना या अमेरिका का जो कर्ज था ना उसके ऊपर यूरोपियन पावर्स जो भी जो एलाइड पावर्स थी इनके ऊपर चढ़ता जा रहा था, ठीक है. सो बाय 1915 एलाइड पावर्स हैड एग्जॉस्टेड देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब वो जो एबिलिटी ऑफ पेइंग इन कैश, ठीक है ना, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ग्रांट ऑफ लोन्स बाय द अमेरिकन बैंकर्स टू एनी फॉरेन नेशन. By 1917, Britain, France, and Russia had borrowed collectively this much amount. ठीक है ना, अब ये लोगों ने बोरो किया हुआ था, मतलब पहले तो इन लोगों ने खूब ठीक ठाक उन लोगों से पैसे बटोरे हैं और एम्यूनिशन वगैरह और आम मतलब वो ट्रेड कर रहे थे. जब उनके पास पैसे खत्म हो गए, जाहिर बात है वो लोग लड़ रहे थे, एक जंग लड़ रहे थे, एक वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई थी, ठीक है ना, तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं पे तो आके उनके पैसे वगैरह खत्म होने थे. तो उसके बाद उन लोगों ने एक एक्ट पास किया अमेरिका में जिसके थ्रू जो कहना फॉरेन नेशंस जो थी, ठीक है ना, उनको आप जो है ना वॉर बॉन्ड्स देते थे, मतलब वो वॉर बॉन्ड्स के अगेंस्ट जो है ना आपसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस ले सके. तो एक तरीके से जो है ना अमेरिका ये जो जितनी भी एलाइड पावर्स थी ना ये अमेरिका का मकरूज होता जा रहा था, उबर ही जबरदस्त तरीके से मकरूज होता जा रहा था, क्योंकि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कोई क्या कह सकते हैं, कोई टॉफी या लॉलीपॉप तो है नहीं कि मतलब एक दो रुपए का होगा, ठीक है ना. तो बड़बड़ ठीक ठाक तरीके से इनडेप्ट होता जा रहा था. अच्छा, फाइनेंशियल कम्युनिटी एंड म्यूनिशन मैन्युफैक्चरर्स वर कमिटेड टू एलाइड विक्ट्री. इफ द एलाइज हैड टू स्टॉप बाइंग अमेरिकन गुड्स और रिपुडिएट देयर डेब्ट्स द होल कंट्री वुड प्लंज इनटू डिप्रेशन. अब मसला ये हुआ है ना कि अच्छा पहले तो एक फाइनेंशियल कम्युनिटी ये बैंक्स वगैरह और इन सारी चीज़ों को ले लो, ठीक है, और ये म्यूनिशन मैनुफैक्चरर्स जो हैं ये आप मैनुफैक्चरर्स वगैरह को ले लो या इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ले लो. तो इन लोगों ने जो है ना आपस में मतलब एक नेक्सस बनाया हुआ था, मतलब ये जाहिर बात है कि मतलब वो इनके बायर्स थे, ठीक है ना, तो ये लोग चाहते थे कि ये जो है ना कि मतलब इनकी विक्ट्री हो. अब ये लोग ये क्यों चाह रहे थे, क्योंकि अब ये लोग एक किस्म में आके बहुत ज्यादा फंस गए थे इस चीज में, क्योंकि वो जो डेप्थ था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था. तो अगर कि अब एलाइज नहीं जीतते थे ना तो जाहिर बात है जब वो जीतेंगे नहीं तो वो ऐसी पोजीशन में ही नहीं होंगे कि फिर वो वापस अपने जो डेप्थ है ना वो वापस कर सकें. तो अगर वो अपने डेप्थ वापस नहीं कर सकते और इन लोगों ने इतने वॉर बॉन्ड्स और इतनी सब कुछ चीजें और उनके इतना मतलब कर्ज पे इतनी सारी चीजें दी हुई है ना, तो फिर क्या होना था कि एक जो डिप्रेशन और एडवांसिंग डिप्रेशन से इन लोगों ने फॉर द टाइम बींग अपने आप को बचा लिया था ना. लेकिन अगर ये लोग एलाइड पावर्स जो थी अगर ये हार जाती तो फिर तो अमेरिका का बेड़ा गर्क ही हो जाना था, क्योंकि बैंक्स वगैरह ने तो जो है जो कि कितने ज्यादा पैसे जो है वॉर बॉन्ड्स के थ्रू और कितनी जो मैन्युफैक्चरिंग थी जो इंडस्ट्री वगैरह थी ना वो सबको जो है ना इस उस पे लगा दी थी. मतलब एक किस्म की उन लोगों ने क्या कहते हैं एक दाव खेला हुआ था ना कि बस अब एलाइड को जीतना ही जीतना है, और अगर एलाइड नहीं जीतती ना तो फिर अमेरिका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती. तो मतलब फाइनेंशियल कम्युनिटी बैंकर्स और मैनुफेक्चर इनके आपस में एक क्या कहते हैं कनेक्शन और एक नेक्सस बना हुआ था ना, ठीक है ना, और वो लोग है ना एलाइड जो पावर्स थी बस उनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना, मतलब हर किस्म से किसी ना किसी तरीके से जो है ना मतलब वो उनको अपनी चीजें जो है ना सप्लाई करते जा रहे थे. तो इससे जो है ना अमेरिका का एक किस्म से फायदा तो बहुत हो रहा था, लेकिन अगर कि ये जंग हार जाते हैं, ठीक है, और अपने डेब्ट्स वापस नहीं कर सकते तो फिर अमेरिका का ऐसा नुकसान होना था कि फिर मतलब वो कभी उससे बाहर ना निकल सकता है, मतलब बहुत ठीक ठाक नुकसान हो जाता, ठीक है. अच्छा, तो फिर एक अच्छा दो पॉइंट्स तो ये हो गए, ठीक है, दो पॉइंट्स ये हो गए हैं, एथनिक फैक्टर्स हो गए और इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए. इसमें एथनिक फैक्टर्स आप अगर स्टार्ट लो इससे, ठीक है ना, तो आप इससे स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है ना.
और फिर इसके बाद जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप ये जो है ना एग्रेसिव डिप्लोमेसी ऑफ जर्मनी, ये जो है ना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ बात ना आई हो तो फिर जरा बता दे। आगे समझ सर, ये एथनिक जरा दोबारा रिपीट कर दे, एथनिक फैक्टर्स जो आपने बताए हैं। अच्छा, एथनिक फैक्टर्स मैंने जो बताए, अच्छा एथनिक फैक्टर्स जो है ना सिर्फ इतने के मतलब पहले जो है ना मैंने आपको बताया 1914 से लेकर 1917 अमेरिका की जो पोजीशन थी ना वर्ल्ड वॉर के ऊपर वो ये थी कि हम लोग ना एलाइड, ये कभी इससे बताया है चैट पे, किधर गई चैट, ठीक है ठीक है ना। तो ये जो है क्या कह रहा था यार मैं, अच्छा हाँ, तो वो जो है क्या कहते हैं ना, कह रहे ना इस तरफ से किसी भी पोल की तरफ नहीं थे, लेकिन उनकी जो सिंपथीज थी या वो लोग जो चाहते थे कि जॉइंट सी पावर जीते ना वो एलाइड पावर्स थी, ठीक है। एलाइड पावर्स इसलिए थी कि उसमें इंग्लैंड था, ठीक है ना, और इसकी वजह से उनका एक कॉमन कल्चर था, ट्रेडिशन था, जो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब उनके साथ उनकी वो जो एक लगाव था या एक कनेक्शन था, ठीक है ना। तो एक तो मतलब ये जनरली एक बात हो गई है। दूसरा ये था कि जो विल्सन खुद था ना उसका इंग्लिश लिटरेचर उसको बहुत ज्यादा पसंद थे, जो इंग्लिश या ग्रेट ब्रिटेन जो था ना एक किस्म का उसके साथ उसकी प्यार था या लगाव था, ठीक है ना। और दूसरा विल्सन का अपना जो है ना जर्मनी के बारे में कोई इतना अच्छा ख्याल नहीं था, और जो उसके वो नोटोरियस डिजाइन थे ना मतलब वो जो अपने आप को पूरी दुनिया के ऊपर मुसल्लत करना चाहता था तो वो उसके खिलाफ था। तो एथनिक फैक्टर्स में सिर्फ यही बात है, ठीक है जी सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा एग्रेसिव डिप्लोमेसी ऑफ जर्मनी, ठीक है। सबमरीन वॉरफेयर पे आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, आ रही है सबको? यस सर, हमें आ रही है। अच्छा, आप किसको नहीं आ रही थी आवाज, किसने बोला था? अच्छा चले ठीक है। तो इसके बाद जो है ना सबमरीन वॉरफेयर जो है ना जर्मनी जो शुरू की थी, ठीक है ना। तो सबमरीन वॉरफेयर जब जर्मनी ने शुरू की है इसी जंग के दौरान, तो वो ये थी ना कि टू सिंक ऑन साइट एवरी मर्चेंटमैन शिप विद इन द वॉर जोन अराउंड ब्रिटिश आइल्स, ठीक है ना। उन लोगों ने बस ये कह दिया था कि किसी भी किस्म की कोई भी शिप हो, चाहे वो मर्चेंटमैन शिप क्यों ना हो, ठीक है ना, बस अगर ओके वो ब्रिटिश आइल्स या मतलब जो चीजें जो कि मतलब जो एरिया वॉर जोन के वॉर जोन में आते हैं, अगर वहां पे हम देखेंगे ना तो हम डायरेक्ट जो है ना उसको क्या कहते हैं हिट करेंगे, मतलब उसको क्या कहते हैं मतलब खराब कर देंगे, ठीक है ना, मतलब उसको हिट करके उसके अंदर मतलब सारा नुकसान कर देंगे, वो डूब जाएगी, जो भी शिप है उसके अंदर जितना भी कार्गो है जो भी है लोग हैं बस वो मरेंगे, क्योंकि वो लोग तो मिसाइल वगैरह मार के उसको वो करते थे, खत्म करते थे, ठीक है ना। तो फिर May 1, 1915 को ऐसा हुआ है कि अमेरिकन टैंकर थे गल्फ फ्लाइट, ठीक है ना, तो वो टॉर्पीडो इन लोगों ने किया, टॉर्पीडो का मतलब है तबुई मिसाइल से मारना, ठीक है ना, और इन लोगों ने उसको मतलब डुबा दिया, ठीक है ना, बगैर किसी वार्निंग दिए हुए, ठीक है। फिर May 7 को इन लोगों ने एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइन थी, ठीक है ना, उसको भी टॉर्पीडो करके इन लोगों ने जो है ना उसको भी मतलब मार गिराया, ठीक है ना। तो उस ये जो ब्रिटिश पैसेंजर जो लाइन थी ना इसमें तकरीबन 128 अमेरिकन लाइफ जो थी ना वो चली गई थी, ठीक है ना। तो जब ये सब कुछ हुए मतलब बैक टू बैक इस तरह हुए ना, तो विल्सन ने कहे जर्मनी वालों को और उसने उनको वार्न किया कि विल्सन वॉन्ट सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर वुड बी कंसिडर्ड एज डिलिबरेट अनफ्रेंडली एक्ट, मतलब आप लोग जानबूझ के अनफ्रेंडली एक्ट कर रहे हो या हमें प्रोवोक कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसके रिस्पॉन्स में जर्मनी ने ये कहा कि जर्मनी इन रिस्पॉन्स सेड नो शिप वॉज टू बी संक विदाउट अ वार्निंग रिक्वायर्ड दे डू नॉट एस्केप और ऑफर रेजिस्टेंस, इसको कहा जाता है ससेक्स प्लेज, ठीक है ना, इसको कहा जाता है ससेक्स प्लेज। इसको ये था इन लोगों ने जर्मनी ने उसको रिस्पांस में ये कह रहा कि किसी भी शिप को हम लोग विदाउट वार्निंग जो है ना उसको हम टॉर्पीडो नहीं करेंगे, ठीक है, हम उनको वार्निंग देंगे, लेकिन कि अगर वो रुकते नहीं है, रेजिस्टेंस शो करते हैं और अगर वो जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग जो है ना उनको जरूर जो है ना क्या कहते हैं मार गिराएंगे, ठीक है। तो फिर जर्मनी, फिर कुछ टाइम गुजर गया, 2 साल गुजर गए, ठीक है ना, फिर जर्मनी ने जो है ना ये काम वापस शुरू किया। जर्मनी वंस अगेन रिजॉर्टेड टू सच एक्ट्स इन 1917 टू विच यूएस ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद जर्मनी एंड आर्म्ड हर शिप्स फॉर डिफेंस अगेंस्ट सबमरीन एक्ट्स, ठीक है। ऑन March 18, 1917 जर्मन सबमरीन सैंक 3 शिप्स विद लॉस ऑफ अमेरिकन लाइव्स,
तो जब 1917 में मतलब इन लोगों ने क्या किया, जो इन लोगों ने प्लेज किया हुआ था ना जर्मनी ने इसको तोड़ दिया, और वंस अगेन जो उनकी वो जो सबमरीन वॉरफेयर था ना उसके ऊपर वो लोग वापस मतलब आ गए, ठीक है ना। तो जब ये मतलब ये जब मतलब ये लोग अनाउंस करते थे, जब ये लोगों ने अनाउंस किया तो अमेरिका ने जो है ना पहले से ये डिसाइड कर लिया था, और अपनी नेवी वगैरह को जो है ना इस किस्म के किसी भी कोई अगर गड़बड़ होती है तो अपने आप को आर्म करना शुरू कर दिया था। फिर मार्च 1917 में ये हुआ कि जर्मन सबमरीन ने जो है ना 3 ships को मार गिराया, जिसमें मतलब अमेरिकन लाइफ जो थी ना वो चली गई थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आके जो नहीं है डिसिसिव एक्शन जो विल्सन ने लिया था ना वो इसके बाद आके लिया था, ठीक है ना। विल्सन कॉल्ड स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस, उसने कहा न्यूट्रलिटी इज नो लॉन्गर फीजिबल, और कांग्रेस से जो है ना अप्रूवल मांगा है कि हम लोग अप्रूवल टू गो टू वॉर, और उसकी वजह से उसको बहुत मतलब इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली है उसको बहुत ही दोनों हाउसेज में 4 अप्रैल और 6 अप्रैल को, ठीक है। तो उसने जब विल्सन ने जब ये कांग्रेस में जब ये खिताब करा था तो इसने कहा था कि न्यूट्रलिटी इज नो लॉन्गर फीजिबल और डिजायरेबल व्हेन द पीस ऑफ द वर्ल्ड इज इन्वॉल्व्ड एंड द फ्रीडम ऑफ इट्स पीपल, द वर्ल्ड मस्ट बी मेड सेफ फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड वी शैल फाइट फॉर द थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलवेज कैरिड नियरेस्ट टू आवर हार्ट्स, ठीक है, नियरेस्ट टू आवर हार्ट्स। अब ये जो नियरेस्ट और हार्ट से अब ये तो हम कह सकते हैं, अभी शायद हो सकते हैं इंग्लैंड की भी बात कर रहा हो, ये डेमोक्रेसी की भी बात कर रहा हो, ये फ्रीडम ऑफ इट्स पीपल, ये जो वर्ल्ड के जो लोग हैं इनकी भी बात कर सकता होगा, ठीक है ना। तो ये जो सारी जो जर्मनी की जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी थी ना जो सबमरीन वॉरफेयर ये था, तो आखिर में आके ये मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब वो जो बिल्कुल जो आखिरी एक पॉइंट आ जाता है, तो ये वो पॉइंट था कि जहाँ पे आके विल्सन ने और फिर कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोगों को वॉर का हिस्सा बन जाना चाहिए, ठीक है, मतलब 1917 में आके 3 साल वर्ल्ड वॉर वन जो है ना तब तक हो रही थी। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो बोलें। है किसी का कोई सवाल? नो सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है, क्लियर। अच्छा अभी यहाँ पे जिन लोगों ने अभी यूएस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, अब जरा वो मुझे ये बता दें कि अब अगर हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ तो फिर तुम लोग अगर तुम लोगों को किसी में पता हो ना तो फिर मुझे बता दो। असल में ये सबमरीन वॉरफेयर इतना क्यों हो रहा था? सबमरीन वॉरफेयर इसलिए हो रहा था ना क्योंकि जर्मनी से तो क्या कहते हैं, एक तो अमेरिका से जो है ना क्या कहते हैं बहुत ज्यादा चीजें, देखो ना अभी जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो अमेरिका से जो जा रहे थे, ठीक है ना, और भी बहुत ज्यादा सप्लाईज, खाना पीना और हर किस्म का जो कार्गो था ना वो अमेरिका से जा रहा था मतलब एज री इन्फोर्समेंट टू इंग्लैंड। तो ये चीज काउंटर करने के लिए नहीं है जर्मनी ने जो है ना सबमरीन वॉरफेयर जो है ना वो शुरू की थी, जितना कि मुझे याद पड़ रहा है, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी। तो अगर ये अब तुम लोगों में से किसी को इसके बारे में जरा थोड़ी डिटेल में पता है तो हम सबको बता दो। नहीं पता किसी को? हेलो सर, मुझे बस इतना ही याद है कि सर नदीम फरीद जब हमें यूएसए हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया था कि ये यू बोट थी इनकी। अच्छा। मतलब वो उसको यू बोट कहते थे ना द जर्मन्स, वो अटर सी बोट वो जर्मनी में कहते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट उसको करें तो वो अंडर सी बोट मतलब बनता है फिर उससे। तो इनकी एक सबमरीन थी जिसने आके आई गेस लुजिटेनिया शिप थी इनकी जी, उसको उन्होंने हिट किया था क्योंकि वो जो है तो यूके के रास्ते से आयरलैंड के रास्ते से जो है तो वो आ रही थी यूएस में। तो जब उन्होंने रास्ते में इसको हिट किया था तो दैट बिकेम अ फैक्टर के इन्होंने जो है तो फिर वॉर में इंटर किया क्योंकि वो दैट वाज द बिगेस्ट शिप ऑफ दैट टाइम और वो सबसे ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर रही थी। तो उनकी मतलब जान का मतलब मैन पावर का भी काफी नुकसान हुआ था और उनकी शिप का भी नुकसान हुआ था जिसकी वजह से इट बिकेम अ फैक्टर दैट दे एंटर्ड द वॉर। तो मुझे आई गेस इतना ही याद है बस। हां यही चीज है, ठीक है ना। मतलब अमेरिका से उनको बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट और मतलब जो इतनी ट्रेड हो रही थी कैसे हो रही थी, हवा के जरिए तो नहीं हो रही थी, ठीक है। अच्छा इसमें चलो बस वो बात छोड़ दो। तो कुछ ना कुछ तो मतलब अमेरिका मतलब इस चीज को थोड़ा वो जो है ना डिस्टर्ब करने के लिए जो है ना जर्मनी इस पॉलिसी के ऊपर आई थी सबमरीन वॉरफेयर बाय जर्मनी, थोड़ा मतलब आपको थोड़ा सर जी जी एक मिनट, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। असल में ये ऐसे था ना कि अमेरिका तो न्यूट्रल था ना, लेकिन ना असल में ये ब्रिटिश के साथ था ना, बिकॉज़ इट वाज प्रो ब्रिटिश। तो ये क्या कर रहा था, ये जो है ना ये आर्मामेंट्स वगैरह ब्रिटिश को भेज रहा होता था, ठीक है, थ्रू वो क्या कहते हैं बाई सी जो है वो ब्रिटिश को भेज रहा था, ठीक है। तो जर्मनी ने ये किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, उन्होंने कहा था कि अगर हम इनके आर्मामेंट्स को कंट्रोल कर लेंगे ना
तो हमारे पास जो है ये वॉर जो है ना जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे. तो इसीलिए जो है ना जर्मनी ने ब्रिटिश की साइड पे जो ब्रिटिश आइल्स थी ना उधर जो है कंट्रोल लेने के लिए जो है ना वहाँ पे जो है ना ऑपरेशन शुरू कर दिया था. और फिर वो जो हुरिया बता रही है वो ठीक बता रही है. उसमें ये हुआ था ना उन्होंने एक जो है ना जिमरमैन टेलीग्राम के नाम से आई थिंक आता है वो एक टेलीग्राम था जो वो मेक्सिको को भेज रहे थे एंड दे सेड कि मेक्सिको को कि अटैक यूएसए. ठीक है सही है. हाँ हाँ बिल्कुल अभी हाँ तो फिर उसके बाद यूएसए ने अटैक किया था यहाँ पे. ठीक है. अब ये आते हैं जिमरमैन नोट के ऊपर. ठीक है. अच्छा जिमरमैन नोट जो था ना ये एक हम क्या कहते हैं मतलब इंटरसेप्ट और डिकोड किया गया था ब्रिटिश ब्रिटिश ने. ठीक है ना. और फिर ये जो है ना इसको इंटरसेप्ट करके और डिकोड करके इन लोगों ने जो है ना विल्सन को भेजा था. तो वो जो क्या कहते हैं वो जो नोट था उस नोट में क्या था. उस नोट में ये था कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जो था ना उसने एक नोट लिखा था मतलब एक कोडेड नोट लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको के लिए. ठीक है ना. उसमें उसने ये उसको क्या कहते हैं बताया था ये उसको एक अपना पॉइंट उसके सामने रखा था कि जर्मन और मेक्सिकन अलायंस बना लेते हैं अगेंस्ट अमेरिका इफ इट ज्वाइन द वॉर. ठीक है ना. कि अगर जर्मन अगर अगर कि अमेरिका जो है ना वॉर ज्वाइन करता है तो जो जर्मन और मेक्सिकन एक अलायंस होगा मतलब मेक्सिको जो है ना वो भी मतलब वॉर का एक हिस्सा बन जाएगी. ठीक है. तो अगर कि हम फिर जीत जाते हैं तो मेक्सिको को न्यू मेक्सिको एरिजोना और टेक्सास जो है ना वो उसके शेयर में इसको मिल जाएगा. और दूसरा उसने ये उसको कहा था कि उसने मेक्सिको को प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको ये कहा था कि आपने जापान को परसुएट करना है कि आप जो है ना एलाइज को छोड़ दें और आप जो है ना उल्टा यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अटैक कर लें. तो जिमर नोट जो है ना ये भी मतलब एक फैक्टर जरूर रहा होगा मतलब आप इसको भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है ना. तो इसमें भी कोई इतनी कोई वो बात नहीं है. अच्छा एक और जो फैक्टर है ना वो मीडिया प्रोपोगेंडा है. ठीक है ना. मीडिया प्रोपोगेंडा इस तरह ना कि ब्रिटिश की जो नेवी थी ना उसने जितने भी जो ट्रांस एटलांटिक केबल्स होती है ना वो उन लोगों ने कट ऑफ कर दी थी जो भी सेंट्रल पावर्स की थी. ठीक है. अब ये क्यों की थी. ठीक है ना. अब इन लोगों ने इसलिए की थी कि मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज केम टू अमेरिका थ्रू लंदन इन विच जर्मनी वॉज पेंटेड एज एन एग्रेसर. मतलब वो पब्लिक ओपिनियन पेंट करने के लिए शेप करने के लिए उन लोगों ने ये किया हुआ था ना कि जो भी ऐसी जो मतलब ऐसी कोई न्यूज है ना वो सेंट्रल पावर्स की तरफ से जो है ना अमेरिका तक पहुंचे ही नहीं. ठीक है ना. जो भी न्यूज पहुंच रही है वो उनको लंदन से या मतलब उन जगहों से मिले ना जिसमें जर्मनी को है ना एज अ एग्रेसर है ना वो दिखाया जाए. ठीक है. तो ये जो है ना इन लोगों ने क्या किया था कि मतलब मीडिया को भी बड़ा ठीक ठाक इन लोगों ने यूज किया था. मीडिया सेंसरशिप अभी अब नीचे भी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है ना. मीडिया सेंसरशिप हुई हुई थी बड़ी मतलब वो न्यूज सिर्फ दिखाई जा रही थी अमेरिका में. और देखिए न्यूज होती है ना मतलब उससे पब्लिक ओपिनियन बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होते हैं. जब आप एक चीज बार बार पढ़ रहे हो वो कोई भी दूसरा ओपिनियन आपको एक चीज के बारे में मतलब अगर आपको एक ही ओपिनियन मिल रहा है तो फिर आपका वैसा ही ओपिनियन बन जाएगा. ठीक है ना. तो इन लोगों ने मीडिया क्या कहते हैं मतलब ये जो मीडिया के ऊपर इन लोगों ने वो लगाए हुए थे मतलब इनके इख्तियार थोड़े कम वगैरह किए हुए थे. मतलब इन लोगों ने जो ट्रांस एटलांटिक केबल्स थोड़े नहीं बल्कि बहुत कम किए थे ना. मतलब वही न्यूज़ अमेरिका में दी जा रही थी जिससे जर्मनी जो है ना मतलब वो एक एग्रेसर के तौर पे दिखाया जा रहा था कि पब्लिक ओपिनियन शेप हो सके कि कल तो जब अमेरिका वॉर ज्वाइन करे ना तो मतलब वो रिजेंटमेंट ना आए पब्लिक की तरफ से. ठीक है. तो ये जो सारे थी ये वो सारे रीजंस थे जिसकी वजह से अमेरिका जो है उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री की थी आफ्टर अ पीरियड ऑफ न्यूट्रैलिटी फ्रॉम 1914 टू 1917. ठीक है ना. मतलब चार सालों की जंग में तीन साल तो ये लोग न्यूट्रैलिटी में थे. ठीक है. आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे कि तीन साल न्यूट्रैलिटी में रहने के बावजूद जो है वो अमेरिका कंपेल हुआ इस बात पे कि उनको वॉर जो है ज्वाइन करनी चाहिए और खास तौर से एलाइड पावर्स की तरफ से ज्वाइन करनी चाहिए. ठीक है ना. तो फिर आपने ये सारी कहानी उसको लिख देनी है. कोई क्वेश्चन है यहाँ तक. नो सर. ठीक है सही है. अच्छा फिर हम लोग आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अमेरिकाज एंट्री इनटू वॉर. तो चलो यानी कि अब एंट्री तो हो गई लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था मतलब इम्पैक्ट क्या था. ठीक है ना. अब अमेरिका के ऊपर सा क्या इम्पैक्ट था. तो एक जो था सप्लाई ऑफ मैन. ठीक है. नंबर वन
अच्छा क्योंकि इन लोगों ने, अच्छा फिर इन लोगों ने क्या किया है कि जब अमेरिका की जब एंट्री हो गई है वॉर में ना, तो इन लोगों ने एक वो कर दिया था, मतलब एक चीज कंपल्सरी बना दी थी, ठीक है ना, कि हर वो मेल, ठीक है, जिसकी एज 21 से 30 के दरमियान है ना, उसने जो है ना कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करनी है, और उससे पहले जो है ना उसने कंपल्सरी उसको अपने आप को रजिस्टर कराना है मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। और ये जिस एक्ट के तहत किया गया था उसको कहते हैं सिलेक्टिव सर्विस एक्ट 1917, ठीक है ना। इसमें भी इनका कोई लकी ड्रॉ सिस्टम होता था, लकी ड्रॉ में जिसका नाम निकलता था ना फिर उसकी जो है ना ट्रेनिंग होती थी, और फिर उसकी जो है ना कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस उसको मतलब बस लाजमी करार दी गई थी, क्योंकि उनको अब मैन पावर की जरूरत थी, ठीक है, इनके पास इख्तियार था, कहते हैं लॉज ये लोग बना सकते थे, बस इन लोगों ने ऐसा लॉ बना के पास किया और सारे जो आम पब्लिक है उसके ऊपर लागू हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तो इन लोगों ने ये काम किया था सप्लाई ऑफ मैन के लिए, ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने एक न्यू नेशनल आर्मी बनाई है, जो न्यू नेशनल आर्मी बस ये वो आर्मी थी जिसने जाना था यूरोप लड़ने के लिए, ठीक है ना। शिफ्ट एन आर्मी ऑफ 2 मिलियन टू यूरोप, मतलब 2 मिलियन लोग जा रहे हैं अमेरिका से यूरोप लड़ने के लिए, ठीक है। अमेरिकाज नेवी इन कॉपरेशन विद दैट ऑफ ब्रिटन, मतलब ब्रिटन नेवी और अमेरिका की जो नेवी थी, इन लोगों ने आपस में कॉपरेट करके जो है ना जर्मन को जो सबमरीन अटैक्स हो रहे थे ना उनको क्या कहते हैं डिफीट किया था। और जो लैंड फोर्सेस थी उसमें एक जनरल तो इन लोगों ने अपॉइंट किया था, उसमें भी उसने बड़ी डिसिसिव बैटल्स में जो है ना इनके उसमें लड़े थे, क्या कहते हैं एलाइड पावर्स की तरफ से लड़े थे, और वो भी ये लोग जीते थे, ठीक है ना। तो वो अब मैंने इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, वो जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने जो जंग की है ना, जो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए जंग की थी, ठीक है, उसमें इन लोगों का जो लॉस हुआ था ना उसके लिहाज से, क्या कहते हैं मैन पावर के लिहाज से, तो 5 लाख लोग जो है ना वो मर गए थे, और तकरीबन 2 लाख और 6 हजार लोग जो हैं, हो सकते इससे थोड़े ज्यादा हों, ठीक है ना, हो सकता है मैंने एक फिगर इसमें खाया हो, शायद 20 लाख हो, लेकिन ये मैंने अपने नोट्स उठाया तो मैंने ये लिखा हुआ था 2 लाख और 6 हजार लोग जो थे ना मतलब वो क्या कहते हैं जख्मी हुए थे, ठीक है। अच्छा, सप्लाई ऑफ फाइनेंसेस, सप्लाई ऑफ फाइनेंसेस में वही वाली सारी बात है, ठीक है ना, कि वॉर बॉन्ड्स इन लोगों ने दिए थे, ठीक है, वॉर बॉन्ड्स देने की वजह से जो है क्या कहते हैं मतलब अब जब आप आपके पास अपने इतने खुद के इतने पैसे ना हो और आप एडवांसिंग डिप्रेशन में हो, ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट वगैरह तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी जो है ना आप कर्ज पे कर्ज देते जाओ, तो फिर भी जो है ना वो भी आपके लिए इकोनॉमिकली है ना एक क्या कहते हैं एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती, ठीक है ना। वो जो सारी बातें हमने ऊपर की है ना उसको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, मतलब थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे ले आना, ठीक है ना। और इसकी वजह से इन लोगों ने फिर क्या किया था कि मतलब नेशनल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए है ना इन लोगों ने नए टैक्सेस वगैरह लगा दिए थे, टैक्सेस वगैरह जो इनकम टैक्स वगैरह जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया था, और लिकर के ऊपर टोबैको के ऊपर है ना इन लोगों ने एक्साइज ड्यूटी जो है ना बहुत ज्यादा कर दी थी, ठीक है। तो ये जो है ना ये पहले 2 पॉइंट्स हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अमेरिकाज एंट्री इनटू वॉर के, मतलब अमेरिका का फिर इसको क्या फर्क पड़ा है वॉर में जाने से। तो अब एक और क्या कहते हैं रूम बनाते हैं, तो फिर वहां पे रिज्यूम करते हैं, ठीक है।